हेलो फ्रेंड, आज मैं एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले पहुँचे आप तक। आई कौशिक सर वेलकम यू टू योर फेवराइट चैनल कंप्यूटर गुरु। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं। ये एम्ब्रेम का वाइजोन ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। आज के डेट में अगर आप एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच लेते हैं तो आपको मिनिमम 4-5 हज़ार का आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको ऑफर प्राइस में परचेज किया। ये 2000 रुपीज़ का स्मार्ट वॉच है। इसको ओपन करने से पहले देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है। इस बॉक्स का फ्रंट में एम्ब्रेम का ब्रांडिंग है, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है वाइजोन ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, ठीक है। एक साइड में है स्टे कनेक्टेड टॉक स्मार्टर, और नीचे की ओर है एक बिल दिया हुआ है जिसमें कि प्रिंटेड है 4999, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। अगर आप कोई भी शॉपिंग साइट से परचेज करते हैं तो ये नियर अबाउट 2000 में मिल जाएगा। फिर इसका पीछे कुछ हाईलाइट है, 100 वॉच फेसेस, इनबिल्ट माइक, IP68 वाटर रेसिस्टेंस वॉइस असिस्टेंट, ये सभी इसका फीचर्स है। और साइड में और कुछ फीचर्स दिया हुआ है, 1.69 फुल टच स्क्रीन स्मार्ट वॉच है जो कि स्क्वायर साइज का है। फिर 20x7 हार्ट मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन, 60 स्पॉट मोड, बहुत बड़ा चीज़ है। इस स्मार्ट वॉच में आप 60 स्पॉट मोड पाते हैं, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन अलर्ट, फिटनेस ट्रैकर, अप टू 10 डेज बैटरी लाइफ, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें 10 डेज का बैटरी लाइफ देता है। फिर 3 इनबिल्ड गेम, इस स्मार्ट वॉच में 3 इनबिल्ड गेम भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे इस स्मार्ट वॉच में 100 प्लस वॉच फेसेस भी दिखने को मिलेगा, और एक साइड में एक बारकोड दिया हुआ है। उसके साथ इसमें और कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ब्लूटूथ वर्सन 5.0, स्क्रीन साइज 1.69 इंच, iOS 10 एंड अबव, एंड्रॉयड 6 एंड अबव, बैटरी कैपेसिटी 280 mAh का बैटरी लगा हुआ है इसमें, चार्जिंग टाइम 2 आवर, चार्जिंग डुअल पिन मैग्नेटिक चार्जिंग केबल इसके अंदर दिया हुआ है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं जो वॉच है वो किस तरह का दिखता है। को साइड में रखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ यूजर मैनुअल दिया हुआ है। ए सपोर्ट के लिए एक QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को स्कैन करके आप एम्ब्रेम कंपनी से सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ एक वाइजोन ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, उसका जो यूजर मैनुअल है उसके लिए भी एक QR कोड दिया हुआ है। मतलब हम अगर इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो हमको यूजर मैनुअल मिलेगा। फिर यहाँ पे और एक कार्ड है, हैव एनी क्यूरी और एडवाइस, ठीक है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से क्यूरी कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और QR कोड, व्हाट्सअप QR कोड दिया हुआ है इधर, और एक QR कोड वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया हुआ है। तो ये सब दिया हुआ है इसमें। फिर वॉच को ओपन करते हैं, चलिए इसको साइड में रखते हैं। ये देखिए,
ये हो गया स्मार्ट वॉच, बहुत ही शानदार लुक है, एक गजब का दिख रहा है। इसको साइड में रखते हैं और क्या क्या है बॉक्स के अंदर देखते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं, एक चार्जर दिया हुआ है, मैग्नेटिक चार्जर, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, एक मैग्नेटिक चार्जर दिया हुआ है जो कि हम चार्ज के लिए यूज कर सकते हैं। इसका इस बैक साइड में चार्जर है, इसमें हम इसको चिपका के चार्ज कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए वॉच को ऑन करते हैं। उससे पहले इसमें एक स्टिकर है, इसको ओपन करते हैं। ये वाला देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसका लुक गजब का दिख रहा है। ये ऑलरेडी ऑन है, ये देखिए इसका ये जो फेस है ना, ये बहुत ही गजब का दिखता है। तो हम इसका मेनू जो है, इस तरह का मेनू हम यूज कर सकते हैं। फिर इसका साइड से एक शॉर्टकट पॉपअप आता है जिसमें हम कुछ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पे देखिए, आपको सेटिंग दिया हुआ है, टर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे नाइट मोड भी दिया हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी है, कैमरा का भी ऑप्शन है। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम राइट से लेफ्ट को स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे स्पॉट मोड है, ठीक है, फोन ऑप्शन है, उसके बाद बीपी का एचआर ऑप्शन है, फिर SO2, उसके बाद स्लीप, फिर प्लेयर, ब्रेथ, बाद ऐड कंपोनेंट बोल के एक ऑप्शन है जिसमें हम कुछ कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है, आप अगर लेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसा है। ये देखिए जो स्ट्रैप दिया हुआ है ना, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैप है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रैप है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। और पीछे इसका सेंसर लगा हुआ है और एक चार्जिंग पिन है, ठीक है। इसका एक साइड में स्पीकर ड्रिल है और एक डिजाइन है, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। और साइड में एक रोलर है जिसको हम बैक के लिए यूज कर सकते हैं। तो यही है स्मार्ट वॉच। फिर इस फोन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मैं आप लोगों को मोबाइल में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। उसके लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप वहाँ पे सर्च कीजिए दाफिट, फिर उस आपको इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं तो इस वॉच में ऊपर की ओर से स्वाइप कीजिए, फिर सेटिंग पे जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप अबाउट में क्लिक कीजिए, फिर QR कोड में क्लिक कीजिए, ठीक है। जब आप QR कोड में क्लिक करेंगे तो आपको एक QR कोड दिखेगा। आपका मोबाइल में जो स्कैनर है, उस स्कैनर से इस QR कोड को स्कैन कीजिए। जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो एक लिंक देगा, ठीक है। उस लिंक को फिर ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस स्मार्ट वॉच का जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। फिर उस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन कीजिएगा, वो थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए, ठीक है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप उसको ओपन कीजिए। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ प्रोफाइल सेटिंग मांगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल को सेट कर लीजिए, मैं जल्द से सेट कर लेता हूँ। सेट कर लेने के बाद आप जब ओके में क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक परमिशन मांगेगा, आप उसमें अलाउ कर दीजिए, ठीक है। अलाउ करने के बाद आप देखिए यहाँ पे इंटरफेस आ गया। इसके बीच में जो एक वॉच साइन है उसमें क्लिक कीजिए, फिर ऐड डिवाइस में क्लिक कीजिए,
ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आप वो परमिशन को अलाउ कर दीजिए। जैसे कि मेरे को लोकेशन ऑन करने के लिए बोला तो मैं लोकेशन ऑन कर दिया। फिर प्लीज सिलेक्ट योर स्मार्ट वॉच इन द पेटिशन लिस्ट, फिर मैं ये रीजन को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है, जब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कनेक्टिंग दिखाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे कि वॉच फेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतना सारा डिफ़ॉल्ट वॉच फेस है, ठीक है। और अगर आपको और चाहिए होगा तो यहाँ पे मोर वॉच फेस में क्लिक कीजिए। जब मोर वॉच फेस में क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा वॉच फेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको जो पसंद है आप उसी वॉच फेस को रख सकते हैं। जैसे कि मैं एक वॉच फेस को इंस्टॉल करता हूँ, ये वाला को मैं इंस्टॉल करता हूँ। फिर डाउनलोड में क्लिक कीजिए। जब आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो इस तरह का वो अपडेटिंग बोल के दिखाएगा, ठीक है। फिर अपडेट होने के लिए, मतलब डाउनलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ये आप देखिए कितना गजब का लुक दिख रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारा वॉच फेस यूज कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन, किस किस नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्या क्या चाहिए होगा, आप यहां से उसको ऑन करके यूज कीजिए। फिर अलार्म का सेटिंग है, उसके बाद शटर, मतलब अगर हम कैमरा इसी से हैंडल करना चाहते हैं तो हो सकता है, ठीक है। तो इससे हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह फेवराइट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हमको ऐड करना है कुछ फेवराइट कॉन्टैक्ट जिसको हम डायरेक्टली कॉल करेंगे इस स्मार्ट वॉच से। उसके बाद अदर में और कुछ है, फाइंड डिवाइस, टाइम फॉर्मेट, यूनिट सेटिंग, डू नॉट डिस्टर्ब, रिमाइंडर टू मूव, कंटिन्यूस, हार्ट रेट डिटेक्शन, ये वाला सभी ऑप्शन दिया हुआ है। कंट्रोल फोन म्यूजिक, बैटरी सेविंग, फिर लैंग्वेज, ऑटो लॉकिंग, रीसेट, ठीक है। ये बहुत सारा है, ड्रिंकिंग वाटर का रिमाइंडर है, हार्ट रेट वार्निंग का है, वेदर है, टेम्परेचर है, बहुत सारा है इसमें। आपको जो चाहिए होगा उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपग्रेड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अपग्रेड में क्लिक करके अगर अपग्रेड करते हैं तो आपका फर्मवेयर अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये अपडेटिंग दिखा रहा है। तो यहाँ से हम हमारे स्मार्ट वॉच का जो सॉफ्टवेयर है ना उसको भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस नीड्स सेवरेट मिनट, प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ द ब्लूटूथ, कीप योर डिवाइस विद इन द कनेक्शन रेंज विथ योर फोन। मतलब जब भी अपडेट मारते हैं आप मोबाइल या आपका जो स्मार्ट वॉच है उसको उसका ब्लूटूथ ऑफ नहीं करेंगे, नहीं तो वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। और वो रेंज के अंदर होना चाहिए, मतलब अगर रेंज के अंदर नहीं होगा तो भी आपका ब्लूटूथ डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो अगर डिसकनेक्ट हो जाता है तो वो अपडेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपग्रेड सक्सीड, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, जब अपग्रेड ख़त्म हो जाएगा वो रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये जो प्रोफाइल तो आपको मैं दिखाया, प्रोफाइल में ये जो सेटिंग कर दिए हमने उसके साथ गोल, आप कितना स्टेप पर डे चलना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेट सेटिंग कीजिएगा। उसके बाद बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे
दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर गूगल फीट भी सपोर्ट करता है और अबाउट में भी ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन है, हम अगर इसको यूज करना चाहें तो अच्छे से यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप फ्रंट डेस्कटॉप में स्टेप काउंटिंग, स्लीप, हार्ट रेट, बीपी, ब्लड ऑक्सीजन, आउटडोर रनिंग, तो ये सभी सेटिंग है इस वॉच में और इस मोबाइल ऐप में। सोच रहा हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये इतना कम प्राइस में बहुत ही अच्छा एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस वॉच का लिंक मैं ऐड कर दूंगा, अगर चाहे तो आप वहां से खरीद सकते हैं। लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और YouTube को भी पता चलता है कि नहीं ये वीडियो अच्छा वीडियो है। उसके साथ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल में इस तरह का अनबॉक्सिंग उसके साथ टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो हर वक्त आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।